वही जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में कांवड़ यात्रा के समय सफल यातायात और शांति व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित विषय पर चर्चा की गई। वही बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा का रूट पहले ही तरह रहेगा। काशीपुर से अतुल तिवारी की रिपोर्ट। शिवरात्रि कांवड़ 29 तारीख से शुरू है और मुख्य रूप से 1 तारीख से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 8 तारीख के मध्य में जब शिवरात्रि का दिन है कांवड़ बढ़ने की संभावना है और उसी बीच में लास्ट के 3-4 डेज जो डाक कांवड़ का भी रहता है। विगत वर्ष भी हमने यातायात को लेकर के प्लानिंग करी थी और कांवड़ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ट्रैफिक प्लानिंग, और ट्रैफिक अगर अच्छे से प्लान हो जाए और कांवड़िए अपना सकुशल अपने गंतव्य तक जाए तो कोई इस तरह से कुछ नहीं रहता। उसी संदर्भ में यातायात को प्लान करने के लिए जरूरी है कि हमारे यातायात से लेकर के थाना प्रभारी से लेकर के और जो भी स्टेक होल्डर है जैसे PWD हो गया, चाहे हमारे जल संस्थान के लोग हो गए, नगर निगम के लोग हो गए, मजिस्ट्रेट साहब हो गए, तो सबके साथ एक हमने संयुक्त रूप से मीटिंगें करी हैं जिससे कि जो भी आवश्यक वहाँ पे तैयारियाँ हों रूट के स्तर पे, मांस मदिरा की दुकानों के लिए क्या हमारे प्रावधान रहेंगे, डाइवर्जन हम कहाँ से लागू करेंगे, जो भंडारों की परमिशन आएगी उसको किन शर्तों के आधार पे परमिशन देना है और उन भंडारों को किस तरीके से वहाँ से इस्टेब्लिश कराना है, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आज हमारे द्वारा मीटिंग की गई है।